प्रगतिशील समाज बुधवड़िया के कार्यकर्ताओं ने उठाया सड़क निर्माण का बीड़ा। न्यूज 9 टाइम पश्चिम चंपारण से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि मतलब वो सब जो जनता के प्रतिनिधि बन सके। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बड़े से लेकर छोटे स्तर पे एक ऐसे शख्स को चुना गया है जो वहाँ के लोगों को अपना हो, वहाँ के लोगों के बीच का हो, जो अपनी जमीनी परेशानी को समझे और उसके निवारण हेतु सही दिशा में कदम उठाए। जब हमें अपने परिवार में कोई परेशानी होती है, हम अपने घर के बड़ों के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रतिनिधि होता है जो समाज के सुख दुख के साथ खड़ा हो। लेकिन अगर वही प्रतिनिधि अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हो तो फिर जनता का कौन सुनेगा, अपनी समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के बुधवरिया थाना के टेसरैया बुधवरिया पंचायत की, जहां जन प्रतिनिधि के रूप में मुखिया जी तो हैं, लेकिन उन्हें इस मॉनसून में भी बुधवरिया चौक का मुख्य रास्ता, जो हर दिन लगभग 6000 से भी अधिक लोगों का आगमन का रास्ता है, की सुध नहीं पड़ी। बारिश के शुरू होते ही रास्ता और बदहाल हो जाता है, लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के मूल निवासियों उमेश यादव, भुवनेश्वर यादव, दीनानाथ चौधरी, शिवनाथ शाह, हरिचंद्र शाह, जितेंद्र शर्मा, रंगलाल यादव, राम अवधव यादव का कहना है कि वह कई मर्तबा मुखिया जी के पास इस समस्या को लेकर गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। अब तो हमें उन्हीं से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रह गई है। अब बुधवरिया चौक मुख्य रास्ता का जिम्मा वहां के संगठन प्रगतिशील समाज बुधवरिया के सदस्यों, रामायण पीड़ित अध्यक्ष धर्मनाथ शाह, कोषाध्यक्ष संजीव पटेल, सचिव प्रिंस कुमार, सत्यम कुमार, रामधार यादव, बिट्टू यादव, रिपू गुप्ता, अजय ठाकुर, महेंद्र कुमार, कुलदीप राय, रमेश गुप्ता, गुंजन शर्मा व अन्य के द्वारा उठाया गया है। यह रास्ता अभी भी संगठन द्वारा बनाया जा रहा है। भारत युवाओं का देश है और आने वाला समय भारत का है, ऐसा हम कई बार सुनते हैं तो, लेकिन ऐसा वो ऐसे संगठन का है जो इस बात को सत्य कर रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं हमने देखा कि किसी संगठन ने अपने मेहनत से चंदा इकट्ठा कर अपने गांव, कस्बों और मोहल्ले की समस्या का निवारण करते हैं, लेकिन ऐसा कहना क्यों जनप्रतिनिधि की हौसले को बढ़ावा देना ना हुआ, तो फिर हम क्या करें। ठीक है, संगठन ने अपनी एकता को दिखाते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया, जो न सिर्फ प्रशंसनीय था बिल्कुल मूल्यवान भी है। ऐसे में जरूरी है कि हम ऐसे प्रतिनिधि जो सिर्फ नाम के लिए हैं और सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं हमारे हक के पैसे पर भी अपना बाज जैसे नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, उनके प्रति कड़े से कड़े कदम उठाए जाए।